हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका पाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन होम इन स्टाइल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। जैसे कि हम सभी को पता है, दिवाली बस आ ही गई है एंड इस फेस्टिवल का हमें पूरे साल इंतज़ार रहता है। एंड मुझे अभी भी याद है, जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी दिवाली वाले दिन नए कुशन कवर, बेडशीट एंड कटेल ला के पूरे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करती थी। एंड इन सभी चीज़ों को अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। घर के हर एक कॉर्नर को हम बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैंने अपने लिविंग रूम एंड डाइनिंग एरिया को दिवाली के लिए डेकोर करा है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो आप जब भी किसी भी रूम का मेकओवर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड कर ले आपको कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है एंड उसको कैसे डेकोरेट करना है। सेकंड, आप किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करिए। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सोफे वाले कॉर्नर से स्टार्ट करा है। यहाँ पे मैंने एक बनारसी दुपट्टे को प्लेस करा है सोफे पे। अगर आपके पास ऐसे ही कोई बनारसी दुपट्टा या कलरफुल दुपट्टा है तो आप सोफे के लिए यूज कर सकते हैं। सोफा आपका एकदम से एनहेंस हो जाता है एंड काफी अच्छी फेस्टिव वाइब्स भी देता है। सो टेबल को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने टी लाइट कैंडल होल्डर एंड मैट का यूज करा है। अगर आपके पास इस टाइप के टी लाइट कैंडल होल्डर नहीं है तो आप फ्लावर्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। दिवाली पे तोरण वंदन वार लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सो जब हम लिविंग रूम में एंटर होते हैं तो वहां पे है एक वॉल एंड उस वॉल पे मैं लगा रही हूँ बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड ब्यूटीफुल सी तोरण। एंड जितने भी प्रोडक्ट इस वीडियो में मैं यूज कर रही हूँ उसका ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। सो दिवाली के टाइम पे हम सभी के घर में काफी सारे गेस्ट आते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, एंड क्या आप चाहते हैं वो सभी आपके घर को देख के बोले वाओ। तो आप रंगोली बनाकर, फूल सजाकर, दिए जलाकर अपने घर को ज़रूर सजाएं। सो यहाँ पे मैंने फूलों से बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सी रंगोली तैयार कर ली थी। ये हार्डली 2-3 मिनट्स लगे थे इस रंगोली को बनाने में। सो आप इस टाइप के फूलों से, कलर से रंगोली ट्राई कर सकते हैं। सो दिवाली के लिए मैंने DIY बॉटल्स बनाई थी, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। लास्टली मैंने एक कैंडल होल्डर को प्लेस कर दिया है। सो अब हम डेकोरेट करेंगे टीवी पैनल को। एंड यहाँ पे जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स रखे थे यहाँ से मैंने हटा दिए हैं। एंड यहाँ पे मैं करूँगी कुछ चेंजेस, बिकॉज दिवाली के टाइम पे अपने घर में आप थोड़े बहुत भी चेंजेस कर लेते हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग एंड सूदिंग लगते हैं। सो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी एंड टी लाइट कैंडल होल्डर को ऐड करने की। सो जब भी मैं होम डेकोर हॉल की वीडियो डालती हूँ तो कुछ मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं दी इन सबको लेने का क्या फ़ायदा, अभी तो हम रेंट पे रह रहे हैं। देखो गाइज, दीपक चाहे सोने का हो या मिट्टी का हो, उसकी रोशनी उतनी ही चमकती है जितना वो अंधकार को दूर कर देती है। और चाहे आदमी अमीर हो या गरीब हो, उसका जीवन उतना ही चमकता है जितना उसने अपने जीवन से अंधकार को दूर कर दिया है। सो गाइज, घर छोटा हो या बड़ा हो, अपना हो या किराए का हो, बस आपको खुश रहना है। आज आप किराए पे रह रहे हैं तो कल आपका अपना भी ज़रूर होगा। सो यहाँ पे मैंने डेकोरेट कर लिया है अपना डाइनिंग टेबल। एंड डाइनिंग टेबल के ठीक ऊपर वाली वॉल पे ये मुझे इतने सुंदर झरोखा लगे थे। सो इसको मैंने सेट ऑफ 6 में और मंगा लिया था। सबसे बड़ी बात ये रीयूजेबल है, दिवाली ख़त्म होने के बाद आप इनको ईजली फोल्ड करके भी रख सकते हैं। सो ये कलरफुल होने की वजह से इसने पूरी वॉल को काफ़ी अच्छे से एनहेंस कर दिया है। विंडो को डेकोरेट कर लेंगे गार्लैंड से। सो इस टाइप के आप गार्लैंड वगैरह दिवाली एंड फेस्टिवल के टाइम पे ट्राई करते हैं तो काफ़ी अच्छी रिफ्रेशिंग वाइब्स आती हैं। सो आप नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों गार्लैंड ट्राई कर सकते हैं। सो आपके पास भी कोई चेयर वगैरह है एंड उसका लुक आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो इस टाइप के कलरफुल दुपट्टा ट्राई कर सकते हैं, या कोई सोफा थ्रो वगैरह ट्राई कर सकते हैं। एकदम से एनहेंस हो जाएगी चेयर एंड आपकी चेयर काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देगी। चेयर के जस्ट साइड में मैं एक फ्लावर से पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। सो आप जितना ज़्यादा फ्लावर का, दिए का, कलर के साथ प्ले करेंगे उतना ज़्यादा घर आपका ब्यूटीफुल दिखाई देगा। एंड सबसे बड़ी बात नहीं, जो नेचुरल फ्लावर की भीनी भीनी खुशबू होती है वो पूरे घर में काफ़ी अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस रहती है। एंड जितने भी आपके पास बिग प्लांट है, लाइक रबर प्लांट है, मनी प्लांट है, पाम ट्री है, इसमें आप इस टाइप से फेरी लाइट लगा देते हैं ना तो एकदम से एनहेंस कर देगा एंड आपके प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देंगे। सो टीवी पैनल के लिए ये मैंने एक DIY बॉटल बनाई थी, वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। साथ में मैंने कुछ बैटरी
कैंडल्स को लगा दिया है। लास्टली ये मेरे पास एक पॉम्पॉम बेल हैंगिंग रखी थी, वो मैंने हैंग कर दिया है। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस लिविंग रूम। आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। एंड ना, आपको बहुत ज़्यादा हेडक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ फ्लावर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, दिए लगाइए, फेरी लाइट्स लगा दिए, कुछ हैंगिंग लगा दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पहले वाली एक्साइटमेंट होती थी ना फेस्टिवल मनाने की, लोग चार चार पाँच पाँच दिन एक ही फेस्टिवल को मना रहे हैं, वो एक्साइटमेंट अभी बहुत कम सी हो गई है। एंड मुझे अभी भी याद है वो बचपन वाली दिवाली कितनी अच्छी होती थी, जब मम्मी नए कपड़े लाती थी, पापा ढेर सारे पटाखे लाते थे। अब दिवाली ज़रूर होती है, नए कपड़े भी होते हैं, पटाखे भी होते हैं, पर वो जज्बात, वो जोश ना कहीं खो सा गया है। खुशियाँ छोटी हो गई है और हम बड़े हो गए हैं। सो गाइज, जो भी फेस्टिवल आता है ना उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करिए, घर को सजाइए, दिए जलाइए, मिठाइयाँ खाइए और अपना फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से इंजॉय करिए। आप अगर फेस्टिवल को अच्छे से इंजॉय नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे कि फेस्टिवल हम लोग अपने टाइम पे कैसे इंजॉय करते थे। सो फिलहाल आप ये मेकओवर को इंजॉय करिए। I hope you really enjoy the video. So please don't forget subscribe, like and share to my channel. I will see you super duper soon in my next video. Till then stay safe, stay happy, stay connected. And video ko end karne se pehle wish you a very happy Diwali to all of you guys in advance.